इवेंट देखते जाएं कि बनते जा रहे हैं। पहला फर्स्ट क्लास का इवेंट बनाया उसको खोलने के लिए से। कैलकुलेटर को खोलने के लिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन को खोलने के लिए, फिर फॉर्म को क्लोज करने के लिए, अब क्लोज ऑल करने के लिए हम एक इवेंट बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक काम करेंगे फॉर ईच का। फॉर ईच एक लूप है क्योंकि इसमें हम लूप चलाएंगे शुरू से लेके आखिर तक, जाओ जितने फॉर्म मिलते हैं छुट्टी, ठीक है। फॉर ईच तो मैं यहाँ पे करता हूँ एफ आर एम चाइल्ड एज फॉर्म। एफ आर एम चाइल्ड मीन्स मैंने एक वेरिएबल लिया किसका, फॉर्म का। फॉर्म का एक वेरिएबल लिया एफ आर एम चाइल्ड एज फॉर्म कि वो एक फॉर्म है इन किस में जाके ढूंढो, मी डॉट एम डी आई चिल्ड्रन, एम डी आई एक्टिव एम डी आई चिल्ड्रन, एक्टिव me dot mdi children, ठीक है। mdi children को जब आप देखेंगे तो इसके एंड में ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, फॉर्म रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है ये देखें, एज आखिर में क्या है, फॉर्म, फॉर्म रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या करेगा फॉर ईच, जब तक, ठीक है, जब तक तमाम के तमाम फॉर्म, जितने भी फॉर्म इसके एम डी आई चिल्ड्रन में मौजूद हैं जी, वो वन बाई वन ये एफ आर एम चिल्ड्रन को देता जाएगा, लूप चलाएगा। पहली दफ़ा आया जी उसको एफ आर एम कैलकुलेटर मिल गया, उसने उठा के एफ आर एम चाइल्ड को दे दिया, ठीक है। और इसके दरमियान में हम इसे दे देते हैं जो एफ आर एम चाइल्ड है डॉट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, समझ आ गई। फॉर ईच एफ आर एम चाइल्ड एज अ फॉर्म, एफ आर एम चाइल्ड क्या है, वो एक फॉर्म है जी। फर्क ये है कि हमने कोडिंग के थ्रू लिया, पहले फॉर्म हम ऐड करवाते थे, फिजिकल फॉर्म लेते थे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, कोडिंग में एक फॉर्म का वेरिएबल, एक इंस्टेंस डिज़ाइन कर लिया जो ये बता रहा है कि एफ आर एम, इसके ऊपर जैसे ही मैं रख रहा हूँ तो एफ आर एम चाइल्ड जो है वो क्या है, एक फॉर्म है। पीछे इसकी ये हायरार्की है, ये हायरार्की हम कुछ आगे जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे, थोड़े से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, फिर हम इस हायरार्की को पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या है, विंडो क्या है, फॉर्म्स क्या है, ठीक है। ये एक पूरी हायरार्की है, हायरार्की लेवल बना हुआ है डॉट नेट के अंदर। जितनी भी क्लासेस इसमें 3200 से ज़्यादा जो क्लासेस बनी हुई हैं वो एक हायरार्की के तहत बनी हुई हैं, उन हायरार्की को भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर इसको कहा कि जितने भी चाइल्ड फॉर्म, एक फॉर्म लो चाइल्ड के नाम से, कोई भी उसका नाम रख लें। अब फॉर्म है तो उसके लिए हमें एब्रीवेशन यूज़ करनी है एफ आर एम, और ये काम चिल्ड्रन फॉर्म का करेगा, इसलिए मैंने इसका नाम चाइल्ड रख लिया। फिर मैंने इसे कहा कि तुम क्या हो, तुम एक एज, तुम एज फॉर्म हो, क्या हो, फॉर्म हो। चिल्ड्रन एफ आर एम चिल्ड्रन को मैंने कहा, एफ आर एम चाइल्ड को, कि तुम एक फॉर्म हो, और इन मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं, आप क्या करोगे, एम डी आई चिल्ड्रन फॉर्म उठाओगे किस में से, मी में से। मी क्यों, कौन है हमारा मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म के अंदर जितने एम डी आई चिल्ड्रन होंगे उनको उठाओ और इसको देते जाओ। जब इसको कोई फॉर्म मिलेगा, नेक्स्ट लाइन कॉल होगी, वो क्लोज कर देगा, नेक्स्ट टाइम दूसरा एक्टिव फॉर्म मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, तो वो उनको वन बाई वन क्लोज करता जाएगा। मैंने आपको कहा था जो चीज़ शुरू होगी डॉट नेट में उसका एंड ज़रूर होगा। अब मैं फॉर पे रख रहा हूँ तो वो नेक्स्ट और फॉर का एक ब्लॉक बना हुआ है कि इसका स्कोप यहाँ तक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं आया कि ये क्या गुल खिलाता है हमारे लिए। क्लोज ऑल, सब के सब, अगेन क्लोज ऑल, अगेन क्लोज ऑल, अगेन क्लोज ऑल। तो इसमें एरर इसलिए नहीं है कि उसको चाइल्ड चिल्ड्रन फॉर्म में मिलेगा तो वो कोई फॉर्म को पास करेगा, फॉर्म को कोई वैल्यू पास होगी तो वो क्लोज होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो इनर इनर लाइन है ये तब चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन में जब इसको कोई फॉर्म मिलेगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
ठीक हो गया, समझ आ गई कि तमाम की तमाम चीज़ें एकदम से क्लोज कर दो। मैं स्टॉप करता हूँ और अब हमारा मेन काम रह गया है एग्ज़िट का, कि यूज़र एग्ज़िट पे क्लिक करे तो वो ये ना देखे कि कितने चाइल्ड्स खुले हैं कितने नहीं खुले, बंद कर दे इस फॉर्म को, मेन फॉर्म को ही बंद कर दे, पूरी एप्लीकेशन को, पूरी एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को बंद कर दे। ठीक है जी, एग्ज़िट पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका इवेंट जनरेट हुआ। ठीक है, एग्ज़िट टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम है, स्ट्रिप मेन्यू का एक आइटम है, उसका क्लिक इवेंट है। यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा मी डॉट क्लोज, मुझे क्लोज कर दो, बस क्लोज मींस क्लोज इज द फॉर्म, सिंपल उसकी डेफिनेशन हर एक के नीचे आपको मिलती जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है या मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर पहले हम फॉर्म खोल लेते हैं, अगर फॉर्म खुले हों तो क्या बिहेवियर होता है, नहीं हो तो क्या बिहेवियर होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फॉर्म खुला हो या उसके अंदर ना खुला हो तो मी डॉट क्लोज का मतलब है मुझे क्लोज कर दो, छुट्टी, मेन फॉर्म ही क्लोज हो गया, बस बस कहानी ख़त्म। ठीक होगी जी, समझ आ गई आज के लेक्चर में, सिंपल और सादा और आसान चीज़ें। आपने मेन फॉर्म लेना है जी। उसका नाम देना है, उसकी टाइप में सॉरी प्रॉपर्टी में जाके MDI कंटेनर को ड्रू करना है, उसके बाद आपने उसके अंदर मेन्यू लगाना है, मेन्यू में मेन्यू आइटम बनाने हैं, फिर उसके अंदर सब मेन्यू आइटम बनाने हैं। ठीक है, फाइल का मेन्यू बन गया, उसके अंदर क्लोज आ गया, क्लोज ऑल आ गया, एग्जिट आ गया। मेन्यू तो आपको टूल बॉक्स से मिलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, बटन है, लेबल है, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट, वो आपको टूल बॉक्स में से मिलेगा। मींस कि ये आपका टूल बॉक्स है, आपने गाड़ी को खोलना है तो आपको टूल बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो ये समझने कि ये इसके पुर्जे हैं, चाबी पाने ताला जो भी है ये चीज़ें हैं इसकी। ठीक है, तो आपको टूल बॉक्स में से चाहिए, टूल बॉक्स में से वो जो लिया था किसको क्लिक किया था, ये मेन्यूज एंड टूल बार्स में आके आप मेन्यू स्ट्रिप उठाएंगे। ठीक है, ये जो होती है इसको मेन्यू स्ट्रिप कहते हैं, सादा लैंग्वेज में इनको मेन्यूज कहते हैं, कि ये हमारे मेन मेन्यू है। ठीक है, जो टाइटल बार के नीचे होते हैं, और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको मेन्यू स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है जी, कि ये मेन्यू की स्ट्रिप है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मेन्यू लेंगे, मेन्यू के बाद आप इनमें मेन्यूज ऐड करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे तो एक एक नीचे ऊपर साइड पे एक्स्ट्रा आता जाएगा। ये मेन्यू स्ट्रिप, ये जो इसको मैं क्लिक करूँगा तो पूरी मेन्यू स्ट्रिप आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ये मेन्यू स्ट्रिप है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी, देखें मेन मेन्यू स्ट्रिप कौन सी है, स्ट्रिप वन है। मैं इसको नन कर दूंगा, ये आपकी स्ट्रिप वन है, मैंने अब नन कर दिया, अब एग्जीक्यूट करें। ठीक है, इसको पहले बिल्ड करना पड़ेगा ताकि ये फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसकी मेन मेन्यू स्ट्रिप है जो इसमें लगी हुई है फॉर एम मेन के ऊपर। फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हम आगे पढ़ेंगे कि जब आप राइट क्लिक करें तो क्या क्या मेन्यूज उसके अंदर बनाएं, क्या क्या आएँ। ठीक है, फिर आप इसमें पीछे इसका इमेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट इमेज, आप जिस तरह का इमेज आप लगाना चाहें, अगर आपके पास कहीं मौजूद हैं तो इम्पोर्ट करके आप इमेज की ये फाइल्स हैं जिनको आप ला सकते हैं, GIF, JPG, JPEG, BMP और लाइक इस तरह से जितने भी इमेज से रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं उनको आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक हो गया, कैंसिल। ठीक है, इस तरह आप इमेजेस पे सेट कर सकते हैं, सेम लाइक दिस, ये आपके देखें क्लोज, सेव, सेव ऑल, प्रिंट, ये इमेजेस आप इसके साथ सेट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़, यहाँ पे राइट क्लिक सेट इमेजेस। ठीक है जी, मैं इसकी मेन्यू स्ट्रिप दोबारा दे देता हूँ, नन करने पे मेन्यू स्ट्रिप जो है वो समटाइम्स आपको शो नहीं होगी, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है जी, फिर आपने मेन्यू स्ट्रिप लगाई, उनमें मेन्यूज, सब मेन्यूज, मेन मेन्यूज, सब मेन्यूज, ये मेन मेन्यू आ गया, ये उसका सब मेन्यूज आ गए, फिर सब के अंदर आप मज़ीद आगे सब बना सकते हैं। ठीक है, कस्टमर मींस के यहाँ पे आप जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में देखा होगा लुकअप कोड का जो बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मेन्यूज हैं, फिर सब मेन्यूज हैं, फिर उसके अंदर मेन्यूज हैं, तो ये चीज़ें आप बना सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं कि इससे आगे आप जाना चाहें। यहाँ पे लिखेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आ जाएगी, एक राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो सेम इसी तरह से एक और नीचे ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, ऊपर इसी तरह आप मेन पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे तो एक और आगे भी आ जाएगी, एक नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये खुद ब खुद एक्सपेंड होता जाएगा, आपने यहाँ पे ऐड करते जाना। ठीक है, क्लियर हो गया जी।
फिर उसके बाद हर एक के लिए आपने कोडिंग कर देनी है। जितने आपके पास फॉर्म्स आप बनाएंगे उन फॉर्म्स को आप वन बाई वन कॉल करेंगे, फिर क्लोज का काम है, क्लोज ऑल का काम है और एग्जिट का काम है। डेट्स अ सिंपल थिंग, आई थिंक इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इस लेक्चर को सेव कर लूँ। कर दें जी सेव, चलो कर दें। आप पूछ लें फिर ताकि रिकॉर्डिंग में वो भी आ जाए मेरे पास।